नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका हरियाणा की 20 बड़ी खबरों में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दोनों हाथों को छोड़ करके चलाया बुलेट। हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा आप सुप्रीम नहीं कानून का शासन सर्वोपरि। दिल्ली के बाद अब हरियाणा में भी अकेले ही चुनाव लड़की आम आदमी पार्टी जेजेपी के साथ सीटों को लेकर के नहीं बन पाई बात। हरियाणा में पहली बार एक साथ 209 सौगातें देंगे सीएम मनोहर लाल। 3 मार्च को गुरुग्राम में होगा कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन, कई दिग्गज नेता करेंगे शिरकत। हरियाणा में मौसम विभाग का अलर्ट जारी, 4 मार्च तक होंगी बूंदाबूंदी। शहीद संदीप के घर पहुंचे पूर्व सीएम, कहा हम सब आज इन्हीं सैनिकों की बदौलत चैन की सांस ले रहे हैं। फरीदाबाद में आज पेट्रोल की कीमत हुई 72 रुपये 32 पैसे। चुनाव से पहले मनोहर सरकार का तोहफा, एक क्लिक पर अब मिलेगी 209 परियोजनाएं। जन अधिकारी रैली में ओपी चौटाला की हुंकार, बोले जो रोटी कपड़ा मकान ना दे सके वो सत्ता से हटे। हादसा एक और हुआ, कॉलेज के एथलेटिक मीट के दौरान गले पर डिस्कस लगने से छात्र की मौत, लापरवाही के आरोप। हरियाणा में पुलिस कर्मियों की कमी होगी पूरी, 5000 जवानों की हुई भर्ती। हरियाणा पुलिस महकमे में मिलेंगे 5000 जवान, नियुक्ति प्रक्रिया तेज। ओपी चौटाला ने कहा मार्च में सरकार को मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, फिर लोगों के बीच आऊंगा। पंजाब का मोस्ट वांटेड सिरसा में इनकाउंटर में ढेर, व्यापारी पुत्र से गाड़ी छीन करके भाग रहा था सीरा। बीजेपी ने हरियाणा भर में रैली निकाल करके किया विजय संकल्प, सीएम ने करनाल में दौराई बुलेट। अंबाला में बीजेपी की बाइक संकल्प रैली के दौरान मंत्री अनिल विज स्कूटी से गिरे, अस्पताल में ले जाया गया। कॉलेज में एथलेटिक मीट के दौरान गले पर डिस्कस लगने से छात्र की मौत, लापरवाही के भी आरोप। हरियाणा में 24 घंटे बाद भूसा हटाया तो निकले बाइक सवार 2 युवकों के शव। हरियाणा में नहीं रुक रही एटीएम उखाड़ने की घटनाएं, अब एक्सिस बैंक की एटीएम चोरी। तो थी हरियाणा भर की 20 बड़ी खबरें, कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त हम हरियाणा की कुछ अन्य खबरों को लेकर के हर रोज की तरह। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहे हमारा न्यूज़ चैनल, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज़ फॉर मोर न्यूज़।